अध्याय 16 के प्रश्नावली 2 का पांचवा प्रश्न है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक देख लो और विद्यार्थियों की संख्या देख लो, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए कह रहा है। इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर तीन निष्कर्ष निकालिए कह रहा है, ठीक है। चलो तीन निष्कर्ष निकालेंगे भी और प्राप्तांक के क्या निकालेंगे, माध्यिका भी निकालेंगे, है ना। देखो इस प्रश्न में क्या निकालने के लगा है, माध्यिका का है ना, तो माध्यिका वाले जो प्रश्न है वो मैंने प्रश्नावली 1 में बताया था ना, वो किस कंडीशन में उस प्रकार से हल होगा और ये किस कंडीशन में ऐसा हल होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है खुद देख लेना। पहले मैं इस प्रश्न को हल कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले मैं सारणी बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सारणी में प्राप्तांक लिखा हुआ था, प्राप्तांक लिखेंगे और प्राप्तांक के बाद विद्यार्थियों की संख्या था ना। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, चलो प्राप्तांक को लिखते हैं। कहां से कहां तक था, 0 से लेके 10 तक था, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50 और 50 से लेके अंतिम जो है वो 60 तक था, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या 0 से 10 में विद्यार्थियों की संख्या 1 था, 10 से 20 में 12, 20 से 30 में विद्यार्थियों की संख्या 24, 30 से 40 में विद्यार्थियों की संख्या 32, 40 से 50 में विद्यार्थियों की संख्या 10 और 50 से 60 में विद्यार्थियों की संख्या 5 है, ठीक है। इस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या और प्राप्तांक हमने लिख लिया, ठीक है। अब इस प्रश्न में माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है, माध्यिका मतलब ज्ञात करना है ना। तब हमें ऐसे कंडीशन में संचयी बारंबारता निकालना होता है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है, संचयी बारंबारता। तो चलो यहां पे मैं संचयी बारंबारता निकाल लेता हूं। बारंबारता देखो, संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान है। पहला संख्या किसी के साथ जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा है, एक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूंगा, एक लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों को जोड़ दूंगा। तो दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे जो मान आएगा वो कितना होगा, 12 और 1 13 हो गया। ध्यान देना ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत सरल है और बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 13 है ना इसको अब जोड़ रहा हूं किसके साथ, 22 के साथ। 13 और 22 को जब मैं जोड़ूंगा तो इसके जो जोड़ से जो मुझे मान प्राप्त होगा उसको मैं यहां पे लिखूंगा। कितना प्राप्त होगा, 13 और ये जो 24 है इसको जोड़ो तो यहाँ पे प्राप्त होगा आपको 37 प्राप्त होगा, ठीक है, 37। अब मैं क्या करूंगा, इस 37 को लेकर फिर इसको जोड़ूंगा किसके साथ, इस 32 के साथ, ठीक है, 32 के साथ जोड़ूंगा। तो 32 के साथ जब मैं जोड़ूंगा तो इनका जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये 9 3 3 6, ठीक है, 69 आ जाएगा, है ना, 69 प्राप्त हो गया। 69 और इसके बाद ये जो 10 है इसको जोड़ूंगा, इन दोनों के जोड़ से जो मुझे मान प्राप्त होगा यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो इन दोनों के जोड़ से जो मुझे मान प्राप्त होगा वो होगा 79, ठीक है। 79 और 5 को अब जोड़ो, 79 5 को जोड़ूंगा तो इसका मान कितना आएगा, जोड़ने पर 84 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मान कितना आया, 84 आया। और ये जो 84 हमें जो अभी प्राप्त हुआ है ये क्या है, एन का मान, ठीक है, एन का मान, समझना क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये किसका मान है, एन का मान है, ठीक। चलो अब यहां पे मैं लिख लेता हूं, हमें कौन सा मान प्राप्त हुआ अभी, यहां पर एन बराबर कितना प्राप्त हुआ, 84, ठीक है। ये माध्यिका निकालने वाला तरीका है और इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में जब ये प्रश्न आएगा ना तो आपको छोड़ना नहीं है, बनाना है, तो इसके पूरे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। तो एन का मान कितना आया, 84, 84 है, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको आधा कर देंगे, है ना, तो एन के मान को अब आधा कर दो, तो एन अपान दो, ठीक है, इस प्रकार से, तो 84/2 तो कितना आ जाएगा, 84/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 42, ठीक है, कितना आएगा, 42 आ जाएगा। मतलब एन अपान दो का जो मान आया वो कितना आया, 82 आया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एन अपान दो का हम उपयोग करेंगे सूत्र में, इसलिए हमें एन का मान नहीं चाहिए, हमें एन अपान दो का मान चाहिए, ठीक है। या अगर हम एन बस को रखेंगे तो भी हम प्रश्न को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसी बस को रख के हम आगे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो
एन का मान समझो कि ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, इसे नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आधा नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूत्र में हमें आधा वाला मान चाहिए और वो सूत्र के समय हम उसे हल कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब हम ना इसकी संचयी बारंबारता देखेंगे, ठीक है, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कब देख रहे हैं हम, मतलब क्यों देख रहे हैं, तो देखो जब हमने इसे आधा किया ना, एन अपान दो को हमने आधा किया तो कितना आया, 42 आया, आया 42। अब यहाँ पे देखो 42 जो है वो किसके अंदर आएगा, ध्यान देना, ये जो 42 है इस संचयी बारंबारता में आपको देखना है, ठीक है, संचयी बारंबारता में देखना है। तो संचयी बारंबारता में 42 किसके पास है, देखो 37 है और एक क्या है 39 है, उनहत्तर है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 37 है और 69 है, तो इससे पहले ही तो आएगा ना ये, यहीं पे तो होगा 42, कहाँ पे, इसके जस्ट पीछे में ही होना चाहिए, 69 के पीछे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेन जो हमारा संचयी बारंबारता होगा ये क्या होगा, 69, क्योंकि इसके पीछे में आ रहा है, तो इसके पीछे में आएगा मतलब ये इसी के पहले होगा, है ना, तब आएगा, तब हम संचयी बारंबारता क्या लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, संचयी बारंबारता हो गया, याद रखना ना, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, समझ में आया, ठीक है। इससे ये ज्यादा हो रहा है तो इससे ज्यादा हो रहा है, इसको नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, किसी मान से कम होना चाहिए वो मान, तभी हम उसे संचयी बारंबारता मानेंगे। तो इससे ये क्या है, 42 जो है वो कम है, तो इसका मतलब संचयी बारंबारता क्या है, ठीक है, संचयी बारंबारता क्या है, समझ में आ गया, 69 है, ठीक है। अब 69 के सामने देखो ये जो प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक यही है 30 40, ठीक है, तो 30 40 इसका प्राप्तांक है। तो यहां पे चलो मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपको क्या लिखना है, अब 30 से 40, ठीक है, 30 से 40 वर्ग में संचयी बारंबारता, बारंबारता 69 है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है, देख लो 30 से 40 वर्ग में संचयी बारंबारता कितना है, 69 है, ठीक है, हमने इसे लिख दिया, ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पे देखो ये वाले जो मान है इसको हम क्या कहते हैं, निम्न सीमा, आगे के मान को निम्न सीमा, पीछे के मान को उच्च सीमा कहते हैं, तो हमें तो हल करने के लिए निम्न सीमा की आवश्यकता है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, निम्न सीमा निकाल लेंगे। तो लिखो निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा जिसे हम एल से दर्शाते हैं, एल का मान कितना है 30, ठीक है, निम्न सीमा निकल गया, एल का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ 30 प्राप्त हुआ, ठीक है। और प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास तो पहले से है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या जिसे हम एन से दर्शाते हैं, एन का मान कितना है 84, ठीक है, इस तरीके से 84 को भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक। अब यहां पे सी एफ निकालूंगा, ठीक है, संचयी बारंबारता जो है, देखो यहां पे देखो संचयी बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता के ठीक पहले ये जो मान है इसे हम क्या कहेंगे, सी एफ से दर्शाएंगे, ठीक है, सी एफ, ये सी एफ से दर्शाएंगे। चलो तो इसका भी हम उपयोग करेंगे, इसके ठीक पहले आता है ये, है ना, तो सी एफ से इसे दर्शाएंगे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे संचयी बारंबारता के ठीक पहले, ठीक है, तो यहां पे लिख लो, शॉर्टकट में लिख लो, संचयी बारंबारता के ठीक पहले को हम किससे दर्शाते हैं, सी एफ से दर्शाते हैं, सी एफ का मान कितना है 37, ठीक है, सी एफ का मान कितना आया 37 आया, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। अब बारंबारता भी हमें चाहिए, ठीक है, बारंबारता, बारंबारता कौन सा है, देखो बारंबारता जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बारंबारता कहते हैं। तो देखो विद्यार्थियों की संख्या देखना है बारंबारता के लिए, तो देखो विद्यार्थियों की संख्या में देखो बारंबारता यही श्रेणी है ना, तो सबसे अधिक बार तो यही आया है, ध्यान दो 32, तो ये क्या कहलाएगा, बारंबारता, ठीक है, ये बारंबारता है। संचयी बारंबारता अलग होता है, बारंबारता अलग होता है, बारंबारता जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ये पूरा मान एफ से दर्शाते हैं, तो ये मान भी क्या होगा, एफ से ही हम इसे दर्शाएंगे, ठीक है, प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पे लिख लो बारंबारता,
जिसे हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं, कितना है? 32 है। ठीक है, बारंबारता कितना आया? 32 आया। अब इन दोनों वर्गों के माप कितना होगा? घटाना है आपको ना, ये माध्यिका है, माध्यिका में आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग की माप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो यहां पे लिखो वर्ग की माप, माध्यिका निकालने के लिए वर्ग की माप मतलब h का मान निकालने के लिए 40 में 30 को घटाओगे कितना आएगा? 10। देखो कितना आया? 10 आया। ठीक है, वर्ग की माप भी निकल गया, 40 माइनस 30 किए तो कितना आया? 10 आया। ठीक है, जब हम समांतर माध्य वाला प्रश्न हल करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? माध्यिका में इन दोनों को घटा रहे हैं। घटाने पे h का मान यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक, और बहुलक भी निकालते हैं ना, तो उसमें भी वैसे ही करते हैं, वर्ग की माप निकालने के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं ना, बहुलक वाले में भी घटाते हैं h का माप, h का मान निकालने के लिए। ठीक, ये आपको समझ में आया। चलो अब प्रश्नों को हल करते हैं। देखो हमारे पास निम्न सीमा आ गया, प्रेक्षणों की संख्या आ गया, ठीक है, CF प्राप्त हो गया, फिर बारंबारता भी प्राप्त हो गया और वर्ग का माप भी प्राप्त हो गया। ठीक, अब सूत्र लगाते हैं। तो चलो मैं आपको सूत्र बताता हूं, कौन से सूत्र से हल होगा। तो माध्यिका लिखो यहां पे पहले, माध्यिका बराबर L प्लस, देखो ये सूत्र याद रखना है ना, L प्लस एन अपान दो माइनस सी एफ, फिर यहां पे F कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा कोष्टक बड़ा रहेगा, मेरे से छोटा हो गया। ठीक है, यहां तक जाएगा ये इस तरीके से F रहेगा। ठीक है, फिर गुणा क्या करना है इसके साथ? H का गुणा कर देना है। चलो L का मान रखे, L का मान कितना था? 30 था ना। N अपान दो का मान कितना है? N का मान 84 था और N अपान दो का मान हमने निकाला 42 निकाला, डायरेक्ट रख दे 42, सीधा मैं 42 रख देता हूँ। ठीक है, सी एफ का मान कितना था? 37, तो 37 यहाँ पे मैंने रख दिया। फिर एफ का मान, बारंबारता का मान 32 आया था ना, तो 32 यहाँ पे मैंने रख दिया। और गुणित एच, एच का मान कितना था? 10 था। 30 प्लस इन दोनों को घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? घटाने पर 5 आएगा, तो 5 अपान ये हो गया 32, गुणित कितना है? 10। देखो ये कट रहा है तो कटा देते हैं ना, 2 के पहाड़ा से 2 पंचे और ये 2 एकम 2 छक्के, है ना, कट गया। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 30 प्लस 5 पंचे 25 और नीचे में 16। अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ नहीं मतलब क्या है? एक है, और हर अगर बराबर, ऊपर को हम क्या कहते हैं? इसको हम अंश कहते हैं ना, और नीचे को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अगर हर बराबर ना हो, है ना, हर जब तक के बराबर ना हो तब तक के जुड़ नहीं सकता और नहीं घट सकता है। तो पहले क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने का तरीका क्या है? इस 1 का गुणा इसके साथ, इस 16 का गुणा इसके साथ, तिरछा गुणा होता है। फिर अंत में इन दोनों का गुणा साथ साथ होता है। ठीक है, तो 16 गुणित 30 करेंगे यहाँ पे, 16 गुणित 30 और 1 गुणा 25, 25 का 25 ही आएगा। फिर 1 गुणा 16 करेंगे तो 16 का 16 आएगा। ठीक, 16 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 16 सोलह 0, 16 दूनी 32 और 16 तिया कितना होता है? 48, है ना, तो ये हो गया 480 और ये रहा 25 और नीचे में 16। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 5 और 10 का 0 हासिल आए 1, 5, 505/16, 505/16 को भाग दे दो। ठीक है, भाग करना अगर डायरेक्ट इस तरीके से नहीं आता है तो आपको कैसे कर लेना है? इस तरीके से 505 लिख के इस तरीके से आप भाग कर सकते हो, उसके बाद अंत में डायरेक्ट इनको कटा के जो मान आएगा उसको लिख लेना। ठीक है, देखो 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 16 दून 32 और 16 तिया 48, है ना, तो 3 बार गया, ये आ गया 48, 2 शेष बचेगा और 5। ठीक, 16 एकम 16 एक बार जाएगा, यहां पे कितना बचेगा? देखो यहां पे 25 और 16 है, 9 बचेगा, है ना, 9 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? आगे हल तो होगा नहीं, आगे हल होगा नहीं, तो क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे ना, दशमलव लगा दो, दशमलव लगाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और 16 पंचे कितना होता है? 80,
तो ये 80 आ गया। फिर यहाँ पे बचेगा 10, एक और शून्य लगा सकते हैं ना, दशमलव यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, दशमलव एक बार लेते हैं, बाकी शून्य हम कितनी बार भी उतार सकते हैं। ठीक है, 16 पंचे 80 और 16 छक्के 96, 6 बार आगे और ये हल हो रहा है। तो आगे और हल हो रहा है तो हम दो है अंकों तक ही उपयोग कर लेते हैं। 31.56 क्या होगा, 16 से जब मैं 505 को भाग दूंगा तो आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 31.56। ठीक है, 31, ये जो 5-6 है, इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कितना है, 31.56 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख लेना है अतः विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्यिका 31.56 होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब निष्कर्ष भी यहां पे लिखना है, निष्कर्ष। तो चलो निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूं, लिखूंगा नहीं। ठीक है, पहला निष्कर्ष तो आप लोग उत्तर में ले सकते हो। ठीक है, उत्तर को आप पहला निष्कर्ष मान सकते हो। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या है, उत्तर आ गया है ना, उत्तर आपका पहला निष्कर्ष है। कैसे लिखोगे, देखो, उपयुक्त सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्यिका 31.56 प्राप्त होगा, पहला निष्कर्ष हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखोगे, देखो, 30 से 40 अंक सर्वाधिक विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ। ठीक है, 30 से 40 सर्वाधिक विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ, ये आपको दूसरा में लिख लेना है। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये संचयी बारंबारता था, इसके आगे में क्या, देखो 30 से 40 हमने उपयोग किया था, तो इसी 30 से 40 को क्या करना है, आपको उपयोग कर लेना है। 30 से 40 अंक सर्वाधिक विद्यार्थियों, देखो 32 विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ ना, तो सर्वाधिक विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ कह के लिख देना है। ठीक है, अब सबसे कम है ना, तो 0 से 10, देखो 0 से 10 अंक केवल एक विद्यार्थी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से तीन निष्कर्ष आपका क्या हो गया, बन गया। समझ में आया, तो निष्कर्ष कैसे बनाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, और माध्यिका कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये प्रश्नावली और ये पूरा अध्याय कंप्लीट हुआ।